नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबर के साथ में मैं उपेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बस्तर की बात में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण काल में रिक्शा चालकों की स्थिति काफी चिंताजनक। घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे रिक्शा चालकों के परिवार भूखे मरने की आ गई है नौबत। युवा विधायक रेखचंद जैन बने संसदीय सचिव, बस्तर में खुशी की लहर। अटल आवास में रहने वाले लोग नाली और सीपेज की समस्या से ग्रस्त, कहा गंदगी के बीच गुजर रहा है समय। और कोतवाली पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्करों से किया 23 किलोग्राम गांजा बरामद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर में अब गिनती भर ही पैडल से चलने वाले रिक्शा वाहन चालक रह गए हैं। लॉकडाउन के पहले ही शहर में ऑटो रिक्शा वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण रिक्शा चालकों की स्थिति बेहद खराब है। इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इनकी कमाई लगभग शून्य हो चली है, जिसके कारण रिक्शा चालकों के परिवार पर गहरा आर्थिक संकट छाया हुआ है। यहां तक कि इनके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे रिक्शा चालकों की स्थिति अब और दयनीय हो गई है। शहर में अब गिने चुने ही रिक्शा वाहन बचे हुए हैं। जिन रिक्शा चालकों की कमाई का जरिया सिर्फ रिक्शा है, ऐसे चालकों पर कोरोना संक्रमण काल आफत बनकर टूट पड़ा है। इनकी कमाई इन दिनों जीरो है, जिसके कारण रिक्शा चालकों के परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। रिक्शा में सवारी नहीं मिलने के कारण रिक्शा चालक परेशान है। भीषण वित्तीय संकट का सामना कर रहे रिक्शा चालकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लॉकडाउन की वजह से अब धंधा हम लोग का बहुत चौपट हो गया है। ये जब से ऑटो ऑटो आ गया है, लॉकडाउन हो गया है, तब से फिर भी अपन गरीबी गुजारा चला रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं। अपना घर द्वार कैसे पालना पड़ता है, वो एक दिन में जैसा धंधा के ऊपर है 200-250-300 तक कमा लेते हैं। हाँ, एकदम ही हो जाता है, मतलब जैसा एकदम डाउन हो जाने से कुछ कमा भी नहीं पाते हैं हम लोग। परेशान तो है, क्या करूँ, बाल बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो देना पड़ता है ना, हम लोग खर्चा 10-20 भी कमाने से तो उनको पहले देना है। कहाँ चलेगा अब ऑटो वाले, मन 5 रुपये अगले कहाँ कहाँ चल देते हैं, क्या वही कोई मेहनत वाला मिलेगा ना हमको काम, बोरा वोरा बोने का फिर डाल के पहुँच जाते हैं तब मिलता है। हम आपको बता दें कि विगत महीनों में लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक यातायात के सभी साधन बंद थे। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को शर्तों के साथ यातायात के साधनों को खोलने के मामले में निर्णय की छूट दे दी थी। विगत 2 महीने से शहर में रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाहनों का संचालन किया जा रहा है। शहर में ऑटो रिक्शा वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही रिक्शा चालकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊपर से कोरोना की मार ने रिक्शा चालकों की कमर तोड़ दी है। सवारी नहीं मिलने से पूरी तरह से इनकी कमाई बंद है। दिन भर चौक चौराहों पर खड़े रहने के बाद भी मुश्किल से 100 से 50 रुपए ही ये कमा पाते हैं। इनका कहना है कि वर्तमान समय में ये पूरी तरह से बेकार होकर रह गए हैं और शासन प्रशासन से मदद की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव और निगम के अध्यक्ष बनाए जाने की प्रत्याशा में छत्तीसगढ़ में लगभग सभी संसदीय सचिव तय कर लिए गए हैं। बस्तर से जगदलपुर के युवा विधायक रेखचंद जैन को संसदीय सचिव बनाया गया है। संसदीय सचिव बनाए जाने की खबर मिलते ही जगदलपुर में सभी ओर प्रसन्नता व्याप्त है और खुशी की लहर छा गई है। लोग श्री जैन को बधाई देने पहुंच रहे हैं। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 11 जुलाई को 7 जिलों के पुलिस बल सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शौर्य भवन में किया गया, जिसमें अपराधों की विवेचना, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, कानून व्यवस्था और नियंत्रण और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों में व्यावसायिक पुलिसिंग कार्यवाही की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में बस्तर रेंज से जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडा गांव में पदस्थ पुलिस अधीक्षक से लेकर सहायक आरक्षक स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। लगातार कोतवाली पुलिस जुआ, सट्टा, गांजा के तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप कई मामलों के आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बार फिर गांजा परिवहन करने वाले कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी
एमन साहू ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से गांजा लेकर जगदलपुर के रास्ते रायपुर आ रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस गठित कर आसना चौक नेशनल हाईवे क्रमांक 30 भेजा गया, जहां ओडिशा की ओर से आने वाले व रायपुर की ओर जाने वाले सड़क पर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए उक्त हुलिये को वाहन व मोटरसाइकिल दिखाकर जिसे रोककर पूछताछ किया गया। उनके पास रखे सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर 23 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसकी कीमत 1,15,000 रुपया की गई है। आरोपी शिवानंद पटेल निवासी रीवा मध्य प्रदेश और अशोक पटेल निवासी रीवा मध्य प्रदेश को NDPAS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बस्तर की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे लालबाग ग्राउंड का हाल। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबाग के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बन रही नालियों और सड़क के कारण यहां के आसपास का पूरा क्षेत्र कीचड़ युक्त हो गया है। यहां से गुजरने वाले तमाम राहगीरों और कॉलोनी और आसपास के रहने वालों को इसके चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यहां स्थिति और भी खराब हो गई है। यहां से आने जाने वाले लोग यहां फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी कम हो। शहर में एक नाली ऐसा भी है जो पूरी तरह से जंगली झाड़ियों से छिपी हुई है। जी हां, हम आकाशवाणी जगदलपुर के ठीक सामने बनी नाली से पानी की निकासी नहीं होती है। इस नाली को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां किस तरह से जंगली झाड़ियां उगाई है, जिससे पता चलता है कि यहां कई वर्षों से नाली की सफाई नहीं हुई है। बताया गया है कि इस नाली में पानी कई वर्षों से जमा है। आसपास यहां भजिया चाय इत्यादि के ठेले लगते हैं। नाली की सफाई नहीं होने के कारण आसपास के लोग काफी परेशान हैं। गंदगी होने से यहां बीमारी फैलने का भी खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। बोधघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित रेलवे कॉलोनी झोपड़ी पारा के एक मकान में 13 जुलाई को एक जहरीला सांप प्रवेश कर गया था, जिसकी सूचना मकान मालिक सुधाकर सोनी ने डायल 112 को दी। सूचना पाकर बंदों ने स्नैक कैचर अब्दुल हमीद ने घटनास्थल पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सावन के महीने में पहली बार मंगलवार की सुबह 3 घंटे तक हुई लगातार झमाझम बारिश। बारिश ने शहर को न केवल तरबतर कर दिया बल्कि इस बारिश से कई वार्ड जलमग्न हो गए। इस दौरान कई जगहों की सड़कों पर जलभराव की भी स्थिति बनी रही, साथ ही लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सावन के महीने में पहली बार मंगलवार की सुबह 10:15 से लेकर 12:15 तक लगातार 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। शहर के कई क्षेत्रों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी निर्मित हुई, विशेषकर शहीद पार्क के सामने से लेकर झंकार टाकिज के पास तक और कुम्हारपारा की ओर से FCI गोडाउन तक सड़कों पर घंटों तालाब जैसी स्थिति निर्मित हुई, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि बारिश होने पर यही स्थिति शहीद पार्क के सामने निर्मित होती है। यहाँ पर दो दो पुल बनाए गए, लेकिन दोनों ही पुल में कचरा जाम होने के चलते नाली के पानी की निकासी नहीं हो पाती है।
यही कारण है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है और अधिक बारिश होने पर जल जमाव की स्थिति घंटों निर्मित होती है और यहाँ से पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास भी किया गया। सड़क के बीचों बीच गड्ढे खोदकर इस पुल से जल निकासी की व्यवस्था कर सुधारने का प्रयास किया गया, परंतु सभी प्रयास विफल रहे। लोगों का कहना है कि जब तक शहीद पार्क के पास बड़े पुल का निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक इस क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी रहेगी। अब देखना यह है कि नगर और जिला प्रशासन इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए किस तरह व्यवस्था करती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। दलपत सागर वार्ड स्थित अटल आवास में रह रहे लोग नाली की समस्या से बेहद परेशान हैं। घर के एकदम नजदीक बनाई गई नाली के कारण नाली का पूरा गंदा पानी बारिश के दिनों में वापस घर में प्रवेश कर जाता है। दुर्गंध और गंदगी के कारण यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अटल आवास में रहने वाले लोगों को सीपेज की भी समस्या झेलनी पड़ रही है। घरों से सटकर बनाई गई नाली का पानी अगर घरों के अंदर ही प्रवेश करे तो ऐसे में घरों की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, शहर के दलपत सागर वार्ड स्थित अटल आवास में रहने वाले लोगों को इसी हाल में रहना पड़ रहा है। पहले से ही सड़क और पानी की समस्या झेल रहे अटल आवासियों की प्रमुख समस्या घरों के पास सट कर बनाई गई नाली है। यही नहीं, सिपेज की समस्या भी ये लोग झेल रहे हैं। इस समस्या के बारे में बताती इस वार्ड की एक महिला। हम लोग नली से परेशान हैं, ऊपर वाले अपने छत से परेशान हैं। छत में पानी भरता है, उनके घरों में टपकता है। जब छत ही मजबूत नहीं रहेगा तो नीचे का घर कहाँ से मजबूत रहेगा। अब प्लस नाली है, देखो ये दे घर ये दे नली। बीमारी से दूर रहो बोलते हैं, पूरा बीमारी तो हमारा घर का यहीं से शुरू होता है। नीचे ऊपर का नली कॉन्ट्रैक्ट में है, नली अच्छा चौड़ा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, है ना। इसमें इतना सा नली में क्या इतने लोगों का वो करेगा। इसका नली का निराकरण भी अच्छा से होता नहीं, पानी जाने का निकासी नहीं है। यहाँ पर बोर खोदे थे वो क्या बोलने से बोरिंग के लिए, वो गड्ढा को ऐसी छोड़ दिए, किसी के बच्चा वहाँ गिर जाएंगे, सभी घर वाले काम में जाते हैं, कोई थोड़ी ना ध्यान देगा। ये सब चीज़ को ध्यान नहीं देते, ये सब करवाना है ना। और घर है, मानते हैं घर दिए हैं तो हम भी तो घर का पैसा पटा रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, फ्री तो नहीं है ना, हर चीज़ तो देना ही पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमको सुविधा भी होना चाहिए, है कि नहीं। हमको तो घर टूटा है उसके बदले से मिला है, हमको फ्री नहीं मिला। हमारा वहाँ गंगा मुंडा में घर था, गांधीनगर में, अभी विक्रम जी जो आए थे वो जानते हैं, हम उन्हीं के वार्डवासी। पानी वगैरह की, पीने का पानी की सुविधा है? पीने का पानी का अभी हुआ है सुविधा, अभी ये नल लगवाए हैं पार्षद भैया। पहले हमको बहुत दिक्कत जाता था, हमारे कॉलोनी वाले हमको पीने का पानी देते थे और दो बोरिंग था, उस दो बोरिंग में हम इतने लोग उपयोग करते थे। कितना घर हो गया? घर तो है मैडम, इसी लाइन में 70 घर आसने रे, 20 हुन बटे 44 हुन बट 44 बट से 30 ने 29 मतलब हाँ। इतना घर है यहाँ। दलपत सागर वार्ड में बनाए गए अटल आवासों की संख्या लगभग 74 है, जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। अटल आवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में इन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। छत से टपकता पानी और सभी दीवारों में सीलन है, जिसके कारण बच्चे बीमार रहते हैं। इस संबंध में पार्षद नरसिंह राव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अटल आवास में जो सीपेज का समस्या है उसका एस्टिमेट वगैरह हम लोगों ने बनवाया है, और चूंकि इस कार्यकाल में विषय आया कि सीपेज हो रहा है, तो हम लोगों ने एस्टिमेट वगैरह बनवाया। फिर उसके बाद ये महामारी की वजह से वो सारा मामला पेंडिंग हो गया है, और जैसे ही हमारे पास फंड की व्यवस्था होगी तो सीपेज का जो समस्या उसको ठीक कर लेंगे। अटल आवास में रहने वाले लोगों का कहना है कि इनकी समस्याओं का आज पर्यंत अंत नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि इन्हें कब सारी सुविधाएं मिल पाती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। और अंत में चलते चलते देखते हैं हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। कोरोना संक्रमण काल में रिक्शा चालकों की स्थिति काफी चिंताजनक। घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे रिक्शा चालकों के परिवार भूखे मरने की आ गई है नौबत। युवा विधायक रेखचंद जैन बने संसदीय सचिव। बस्तर में खुशी की लहर। अटल आवास में रहने वाले लोग नाली और सीपेज की समस्या से ग्रस्त। कहा, गंदगी के बीच गुजर रहा है समय। और कोतवाली पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्करों से किया 23 किलोग्राम गांजा बरामद।
बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।